गुड मॉर्निंग। कल अपन ने पढ़ा था कि टीआई प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे टीआई प्लाज्मिड से टीडीएनए का ट्रांसफर है वो प्लांट सेल में कैसे होता है। तो टीडीएनए ट्रांसफर होने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो प्लांट्स में किसी भी पार्ट में अगर जहाँ पे वाउंड होगा वहीं पे जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस हैं उस वाउंड वाले पार्ट में अटैच होगा और अटैच होने के बाद में वो अपना वहाँ से जीन्स को एक्टिवेट करके आगे की प्रोसेस होगी। तो मान लीजिए कि कोई भी प्लांट्स में वाउंड है, वाउंड वाले पार्ट से क्या होता है कि कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स सिक्रीट किए जाते हैं। ये फिनोलिक कंपाउंड्स हैं वो कुछ जीन्स को एक्टिवेट करते हैं और वो जीन्स एक्टिवेट होकर के आगे दूसरी विरुलेंस जीन को एक्टिवेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही कोई वाउंड होगा उससे वहां से फिनोलिक कंपाउंड सिक्रीट किया जाएगा तो उसको सबसे पहले रिसेप्टर का काम करेंगे वर ए जीन्स। वर का मतलब है विरुलेंस है और ए जीन है या ओपेरोन जो उसको एक्सेप्ट करने का। अब वो फिनोलिक कंपाउंड हैं वो होते हैं या तो एसिटोसिरिंजोन होता है या बीटा हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिंजोन होता है। जैसे ही इनको वर ए जीन्स रिकॉग्नाइज करेगी वर ए जीन का ऑटोफास्फोराइलेशन हो जाएगा और यह एक्टिवेट करेगी वर जी जीन्स को। किसको एक्टिवेट करेगी? वर जी जीन्स को। वर जी जीन्स क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर का काम करता है। किसका काम करता है? ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर का। ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर जिसे यह दूसरी जीन्स को विरुलेंस जीन को एक्टिवेट करता है और उन जीन को एक्टिवेट करने की वजह से जो टी डीएनए ट्रांसफर में फर्स्ट प्रोसेस होती है वो टीआई प्लाज्मिड का निक मतलब किसी भी कट का फॉर्मेशन होना। क्योंकि डीएनए को ट्रांसफर होने के लिए सबसे पहले उसका या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होने में जरूरी है और उसके लिए एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। वो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा? वर डी जीन के दो प्रोटीन होती है वर डी वन एंड डी वन टू जो एंडोन्यूक्लिएज की तरह बिहेव करती है और टीआई प्लाज्मिड में निकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करती है। निकिंग की जो प्रोसेस है वो थर्ड और फोर्थ बेस के पेयर के बीच में जो बॉटम स्टैंड होता है 25 बेस पेयर रिपीट वाला वहां से स्टार्ट होती है और ये निकिंग है। निक बनने के बाद में जो न्यू डीएनए सिंथेसिस होगा उसके लिए किसका काम करेगी? प्राइमर का काम, प्राइमिंग एंड की तरह उसके लिए बिहेव करेगी जिससे जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो इसके लिए टेम्पलेट या प्राइमर की तरह बिहेव करेगी। और जो नया स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा हमेशा डीएनए का सिंथेसिस होता है वो 5-3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। न्यू स्ट्रैंड डिस्प्लेसेस द ओल्ड टीडीएनए सिंगल स्ट्रैंड। जैसे ही टीडीएनए का नया स्ट्रैंड बनाएगा वो पुराने वाले टीडीएनए के स्ट्रैंड को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। और यह भी देखा गया है कि जो D2 प्रोटीन होती है वो 5 प्राइम एंड पे बाइंड हो जाती है और उसको एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी से बचाती है। किसे बचाती है? एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी से, क्योंकि जो एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम है वो डीएनए को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। इसलिए वर D2 प्रोटीन है वो उसके 5 प्राइम एंड से बाइंड हो जाती है जिससे एक्सोन्यूक्लिएज उस पर वर्क नहीं करता है। दूसरा काम वर D2 प्रोटीन क्या करती है कि जो नया डीएनए बना है टीडीएनए उसके लिए गाइडिंग का काम करती है, उसको गाइड करती है प्लांट सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसफर होने में। मीन यह न्यूक्लियर टारगेटिंग सिग्नल इसके पास में होते हैं वर D2 के पास जिससे ये न्यू डीएनए सिंथेसिस हुआ उसको प्लांट सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। दूसरी जो
टी डीएनए के जो राइट बॉर्डर होता है उसके पास में कुछ शॉर्ट सीक्वेंसेज होती है जो क्या करती है, ट्रांसफर की प्रोसेस को ओवरड्राइव करती है, मतलब उसको एनहांस करने का काम करती है। और यह एनहांस करने का काम है वो वर सी वन एंड सी टू प्रोटीन है वो करती है। कौन करती है? वर सी वन एंड सी टू प्रोटीन। आगे वर ई टू प्रोटीन क्या करती है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड, जो नया सिंगल स्टैंडर्ड टी डीएनए बना उसके साथ में बाइंड हो जाती है और उसकी ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करती है प्लांट सेल के न्यूक्लियस में। वर बी प्रोटीन क्या करती है कि वर बी प्रोटीन है वो कॉन्जुकेशन ट्यूब की, जैसे बैक्टीरिया में कॉन्जुकेशन की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा एक डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में डीएनए का ट्रांसफर होता है, उसी प्रकार यहाँ बैक्टीरियल सेल से प्लांट सेल में न्यूक्लियस, प्लांट सेल के न्यूक्लियस में टी डीएनए के ट्रांसफर होने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। वो कौन सी प्रोटीन बनाती है? वर बी प्रोटीन। तो यह कॉन्जुकेशन पोर बनाती है जिसकी सहायता से आपका टी डीएनए है वो प्लांट सेल के अंदर डिलीवर किया जाता है। वर एप्ट जीन होती है वो क्या? वर एच प्रोटीन क्या करती है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स को डिटॉक्सिफाई करती है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ये टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं वो प्लांट सेल के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं जो एग्रोबैक्टीरियम की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं, इसलिए उनको डिटॉक्सिफाई कर देती है। कौन? वर एच जीन्स। तो ये टी डीएनए ट्रांसफर की प्रोसेस हो गई। सबसे पहले कोई भी फिनोलिक कंपाउंड होगा वो सिक्रीट होगा और फिनोलिक कंपाउंड, इसको डायग्रामेटिकली आप देख लीजिए, यहाँ से कोई बाउंडेड सेल है प्लांट सेल, उसके द्वारा कोई केमिकल सिक्रीट किया जा रहा है जो फिनोलिक नेचर का है, जैसे एसिटोसिरिंजोन या बीटा हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिंजोन, ये दोनों एक्सेप्ट किए जाएंगे किसके द्वारा? वर ए जीन के द्वारा। वर ए जीन, वर ए जीन है वो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है और जैसे ही वो इनको सेंस करेगी फिनोलिक कंपाउंड्स को वो एक्टिवेट हो जाएगी, मतलब उसका ऑटोफॉस्फोरिलेशन हो जाएगा और ऑटोफॉस्फोरिलेशन होने की वजह से वो अपना फॉस्फेट ग्रुप अब ट्रांसफर कर देगी किसके पास में? वर जी प्रोटीन के पास में, जिससे उसका भी अब एक्टिवेशन हो जाएगा और एक्टिवेशन होकर के यह दूसरी जो वर जीन है रिमेनिंग उनके लिए ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर का काम करता है, जिससे ये वर जीन है वो वर जीन के प्रमोटर पे जाके बाइंड होगी, प्रमोटर पे बाइंड होने से दूसरी वर प्रोटीन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएगी और आगे की प्रोसेस जो मैंने आपको अभी पहले बताई है उसके जो अलग अलग प्रोटीन्स हैं वर प्रोटीन वो अपना कोई एंडोन्यूक्लिएज वर डी वन डी टू है वो एंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी के द्वारा टी डी एन ए की निकिंग में हेल्प करेगी, कोई सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए पे बाइंड होगी, कोई है कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण करेगी, कोई है जो प्लांट्स के द्वारा अगर टॉक्सिक कंपाउंड सिक्रीट किए जा रहे हैं तो उनको क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करेगी। तो ये देखिए आप आगे इसके डायग्राम में नेक्स्ट, जैसे ये आपका जो एक्टिवेटेड वर ए प्रोटीन है, क्या है? एक्टिवेटेड वर प्रोटीन जो ऑटोफॉस्फोराइलेशन द्वारा वर जी को एक्टिवेट कर दिया, वर जी एक्टिवेट होकर के अदर वर प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर दिया, सॉरी वर प्रोटीन्स हैं वो अब आगे चल करके जो आपका टी डीएनए है उसके ऑक्सीजन में हेल्प करेगी, मतलब उसकी निकिंग होगी, निकिंग के बाद में न्यू डीएनए का टी डीएनए का सिंथेसिस होगा और टी डीएनए का सिंथेसिस होने के बाद में वो प्लांट सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ये है आपका प्लांट सेल न्यूक्लियस और ये आपका टी डीएनए है और टी डीएनए किसके साथ में जाके इंटीग्रेट हो गया? प्लांट सेल के डीएनए के साथ में, होस्ट डीएनए, ये दोनों तरफ होस्ट डीएनए है और ये आपका टी डीएनए है। इधर आपके बैक्टीरियल क्रोमोजोम्स की कुछ प्रोटीन होती है जैसे सी एच वी ए बी, ये भी हेल्प करती है किसके? वर जी प्रोटीन के एक्टिवेशन में। तो ये प्रोसेस होती है कैसे एक टी आई प्लाज्मिड से टी डीएनए का है वो प्लांट सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए ट्रांसफर किया जाता है जिससे प्लांट सेल में ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। अब अपन अगर इसको टी आई प्लाज्मिड को एज ए क्लोनिंग वेक्टर काम में लेते हैं
क्लोनिंग वेक्टर में अगर इसको काम में लेंगे तो इसका जो ऑन्कोजेनिक पार्ट है, जो कल मैंने बताया था ना वर्टी डीएनए के बीच में कि भाई इसके लेफ्ट और राइट बॉर्डर के बीच में जो आपका फाइटो हार्मोन सिंथेसिस जीन ऑक्सिन और साइटोकाइनिन और कुछ ओपाइन सिंथेसिस जीन ऑन्कोजेनिक रीजन होता है, ओपाइन सिंथेसिस का काम करता है, तो जो ऑन्कोजेनिक वाला पार्ट है उसको क्या कर देंगे अपन, रिमूव कर देंगे और उसको एज ए अपन क्लोनिंग वेक्टर काम में ले सकते हैं। जहां से ऑक्सीजन किया वहां अपन फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर देते हैं और फॉरेन डीएनए इंसर्ट करने के बाद में उसको अपन प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे अपना जो डिजायर डीएनए है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्लोन हो जाएगा। अब आगे का पार्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।